दोस्तों, टेक अराउंड द वर्ल्ड का ये और एक नया एपिसोड है और हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अविनाश शर्मा और आप लोग मेरे साथ हैं एक्सक्लूसिव अभी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी आप लोग को जो इस टाइप का टेक न्यूज़ है और बहुत सारा टेक्निकल वीडियो, गैजेट रिव्यू, मोबाइल रिव्यू सब मिलते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला न्यूज़ ये है कि Xiaomi ने प्लानिंग किया है कि इंडिया में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेमेंट बैंक ये सब मार्केट में भी एंट्री करेगा। रिसेंटली Xiaomi ने रजिस्टर ऑफ कंपनी में एक रेगुलेटरी फाइलिंग किया है कि मतलब ये सब बिजनेस में एंट्री करने के लिए। Xiaomi ने बोला है कि वो हर तरह का ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंडिया में सेल करने को रेडी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्यों ना हो और उसका स्पेयर पार्ट के साथ। Xiaomi ने ऑलरेडी अपना जो इलेक्ट्रिक बाइक एंड स्कूटर है वो सब चाइना में लॉन्च कर दिया है और वो लोग बोला है कि वो लोग इंडिया में खाली ये दोनों यानी बहुत सारा बिजनेस कैरी करने के लिए रेडी है, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, फिर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग, पेमेंट गेटवे, फिर मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क, ये सब बिजनेस में Xiaomi चाहता है कि वो इंडिया में एंट्री करें। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि दोस्तों, रिलायंस ने अपना जियो फोन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से इंडिया शिफ्ट कर लिया है। एक्चुअली क्या हो गया, चाइना में जो उन लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जियो फोन का, उस पर कुछ सप्लाई इशू हो गया है जिसके कारण वो लोग इंडिया में शिफ्ट कर लिया है और अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ऑलरेडी वो लोग चेन्नई में एक वेंडर खरीद लिया है। पहला 6 मिलियन हैंडसेट जो है वो ऑलरेडी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, लेकिन अभी चाइना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन इशू हो रहा है जिसके कारण उन लोग का जो जियो का जो प्लान था 2018 दिसंबर तक 200 मिलियन जियो फोन डिलीवर करने का, वो शायद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लोग शिफ्ट कर लिया है इंडिया में। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि LG ने अपना ग्राम लैपटॉप का इंटेल 8 जनरेशन वर्जन जो है वो अनाउंस कर दिया है। इसमें 3 मॉडल आपको मिलेगा, 13.3 इंच का एक मॉडल, 14 इंच का दूसरा एंड 15 इंच का तीसरा, और इसमें i5 एंड i7 प्रोसेसर लगा हुआ रहेगा। और अभी भी ग्राम लैपटॉप का जो पतला डिजाइन एंड लाइट वेट था वो अभी भी है। जो सबसे छोटा वाला ग्राम लैपटॉप है उसका वेट 1 kg से भी थोड़ा कम है और जो सबसे बड़ा वाला मतलब 15 इंच वाला है उसका वेट 1 kg से थोड़ा सा ऊपर है और इस तीनों में ही 72 Wh बैटरी लगा हुआ है। जो 13.3 इंच का है लैपटॉप उसमें 22.5 आवर्स का बैकअप मिलेगा, वही 14 इंच वाला में 21.5 आवर्स का बैकअप मिलेगा एंड 15 इंच वाला में आपको 18 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। तीनों में ही 8 GB रैम आपको मिलेगा। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि इंडिया में ये तीनों नया वर्जन लॉन्च होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी भी इंडिया का मार्केट में जो 2016 मॉडल का रैम लैपटॉप अवेलेबल है उसका प्राइस है 79,990 रुपीज़ एंड 94,990 रुपीज़। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। OnePlus 5T का जो स्टार वॉर्स लिमिटेड एडिशन है वो इंडिया में लॉन्च हो गया है। स्टार वॉर्स का द लास्ट जेडाई भी 15 तारीख दिसंबर का मतलब कल लॉन्च हो गया इंडिया में और जो ये मोबाइल है ये सेल होगा आज से मतलब 16 दिसंबर से अमेजोन में मिल जाएगा आपको, प्लस और वन प्लस का ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर में एंड वन प्लस का जो एक्सपीरियंस जोन है नोएडा एंड बैंगलोर में उसमें आपको ये मोबाइल मिल जाएगा। इसमें 8 GB रैम लगा हुआ है, 125 GB का इसमें फोन मेमोरी है, इसका कॉस्ट जो है 38,999 रुपीज़ है और ये 1,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है जो ओरिजिनल मॉडल है वन प्लस टी का उससे। और 16 और 17 तारीख मतलब आज और कल वन प्लस कंपनी क्या करेगा, तो कुछ पॉपअप स्टोर बनाएगा जहाँ में ये मोबाइल को दिखाएगा। ये पॉपअप स्टोर कौन कौन सा सिटी में होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई में होगा, पुणे में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में, देन आपका बेंगलोर एंड कोची में, ये सब सिटी में पॉपअप स्टोर दिखाएगा। अगर आपको वन प्लस 5T का पूरा डिटेल जानना है तो आप ऊपर दिया गया लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका पूरा स्पेसिफिकेशन उस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, नासा ने एक नया सोलर सिस्टम ढूंढ निकाला है जिसमें 8 पैनल है हम लोग का सोलर सिस्टम की तरह। ये लगभग आपका 2,545 लाइट ईयर्स दूर है और ये जो 8 प्लैनेट है वो Kepler-90 बोल के एक सन का चारों तरफ घूमते रहता है। ये एक्चुअली नासा का जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप है उसने रिसेंटली ये चीज़ को डिस्कवर किया है। ऐसा वाला और बहुत सारा प्लैनेट, बहुत सारा स्टार जो है बहुत जल्दी डिस्कवरी होने का उम्मीद रखा है केपलर स्पेस टेलीस्कोप से रिसर्चर लोग ने। हालांकि ये जितना भी 8 प्लैनेट मिला है इसमें एक में भी लाइफ फॉर्म होने का संभावना नहीं है ऐसा रिसर्चर लोग बोला है,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला प्लेनेट है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पास अभी कोई भी तरह का छोटा रॉकेट नहीं है, जितना भी हम लोग के पास लॉन्च व्हीकल है सब बड़ा बड़ा साइज का है, जबकि इसरो को अभी छोटा सेटेलाइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारा मिल रहा है। तो इसलिए इसरो क्या कर रहा है कि वह छोटा रॉकेट बना रहा है जिसकी कैपेसिटी 500 केजी से कम हो या मैक्सिमम 500 केजी हो। इसरो ने बताया है कि 2018 में इसरो को बहुत सारा लॉन्च करना है, बहुत सारा प्लानिंग है। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज ये है कि फेसबुक ने एक नया फीचर्स लेके आया है स्नूज बोल के। क्या होता है कि इसमें आप किसी का पोस्ट को स्नूज कर सकते हैं 30 दिन तक। तो क्या होगा, 30 दिन तक आपको उस आदमी का या उस पेज का कोई भी पोस्ट जो है आपको दिखाई नहीं देगा या आपको नोटिफिकेशन में नहीं आएगा। फेसबुक एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो है टच पे रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई फ्रेंड्स या कोई कोई फैमिली या कोई कोई ग्रुप से बहुत ज़्यादा पोस्ट टैग होता है, बहुत ज़्यादा पोस्ट में आपको बहुत ज़्यादा टैग करता है और वो सब अनोइंग भी होता है कभी कभी, जैसे कि आपको उस टाइप के पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वो लोग आपको टैग करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, स्नूज कर सकते हैं उस आदमी को या उस पेज का पोस्ट को 30 दिन तक। सपोज किसी ने आपको कुछ पोस्ट में टैग किया जिसको आप इंटरेस्ट नहीं है, तो आप देखिए उस पोस्ट के ऊपर राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट होगा, उस डॉट को क्लिक करने से वो जो पोस्ट है, उस आदमी का जो पोस्ट है या उस पेज का जो पोस्ट है वो 30 दिन तक स्नूज हो जाएगा। मतलब वो लोग जो भी पोस्ट करेगा वो आपको नोटिफिकेशन में भी नहीं आएगा और आपका टाइमलाइन में भी शो नहीं करेगा, और 30 दिन बाद जो है वो ऑटोमेटिकली फिर से आने लग जाएगा। अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर से आप स्नूज कर सकते हैं। तो एक बहुत यूजफुल फीचर्स है एक्चुअली फेसबुक का, ऐसा होता है सबके साथ होता होगा लगता है। तो क्या होता है कि आप चाहते भी नहीं कि उनसे फ्रेंडशिप तोड़ दें और ये भी नहीं चाहते कि वो आपको इतने टैग करते रहें, तो उस कंडीशन में ये बहुत यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों आज का टेक अराउंड द वर्ल्ड में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, तभी मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और आपको भी इस टाइप का टेक वीडियो जो है मिलते रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।